Hello children, today I will teach chapter 5, Disease and Prevention. Children, in Hindi, disease means bimariyan. Disease means bimariyan. And prevention means rokthaam. Rokthaam means ki kaise hum in bimariyon se bach sakte hain. Children, to remain active, healthy and fit, we should take healthy and nutritious food. The food that we eat contain various substances like carbohydrate, fat, vitamins, proteins and minerals, and they are called nutrients. So children, what are nutrients? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Okay, so these are called nutrients. Okay, nutrients, in Hindi nutrients means poshak. तो पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स. ओके चिल्ड्रन, डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वी शुड टेक डिफरेंट फूड आइटम सो आवर बॉडी गेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो अलग अलग तरह का जो फूड है उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. तो चिल्ड्रन, हमें हर तरह का फूड खाना चाहिए ताकि ये सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिल सके. चिल्ड्रन, डू यू नो द डिफिशेंसी ऑफ एनी न्यूट्रिशन कैन कॉज डिजीज एंड विच कैन कॉज टेम्पररी और परमानेंट डैमेज टू आवर हेल्थ. तो बच्चों, क्या आपको पता है कि किसी एक न्यूट्रिशन की कमी होने से हमें क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है, और ये बीमारी टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरीके से हमारी हेल्थ को डैमेज मीन्स नुकसान कर सकती है. ओके सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिजीज, कि डिजीज क्या है. इन हिंदी यू ऑलरेडी नो दैट डिजीज मीन्स बीमारी, बट उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट आर डिजीज चिल्ड्रन? Disease is the abnormal condition of one or more body parts that do not allow to body to work properly. Okay, so disease kya hai? Abnormal condition of one or more body parts that do not allow the body to work or function properly. Okay, तो डिजीज क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है. एबनॉर्मल कंडीशन मीन जिसमें अच्छी तरह से हमारा वन और मोर बॉडी पार्ट्स क्या नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डिजीज. ठीक है, तो डिजीज क्या है? जिसमें हमारे बॉडी का एक या एक से अधिक जो हिस्से हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डिजीज या फिर बीमारी. ओके, सो दीज डिजीज कॉज ड्यू टू मैनी रीजन, ये डिजीज भी कई होने के कई कारण है. सम ऑफ द डिजीज मे कॉज ड्यू टू माइक्रोब्स, कुछ डिजीज ऐसी हैं जो माइक्रोब्स से होती हैं. वाइल मोस्ट ऑफ द डिजीज आर कॉज ड्यू टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जबकि ज़्यादातर डिजीज ऐसी हैं जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल. अनहेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स अनहाइजीनिक, ठीक है, गंदगी में रहने से, ठीक है, गंदा फूड खाने से. वाइल और
कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसी एक न्यूट्रिएंट्स की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इनमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से हो सकती है। ओके, सो चिल्ड्रन, डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स। डिजीज दो तरह की होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, आज की वीडियो में हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, डिजीज कितने तरह की है? दो तरह की। ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेबल। ठीक है, कितने टाइप्स की डिजीज? टू टाइप्स की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? सो These diseases cannot transfer from one person to the other. ये ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है। ओके, सो सम ऑफ दीज डिजीज आर कॉज ड्यू सिंस बर्थ। कुछ ऐसी डिजीज हैं, ठीक है, इनमें से जो हमारे हमें जन्म से ही रहती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द डिजीज आर कॉज ड्यू टू अनहाइजीनिक या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और ज़्यादातर डिजीज ऐसी हैं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फिर किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक्सेस इनटेक ऑफ फैटी फूड, ओके, लैक ऑफ एक्सरसाइज विच कॉज ऑब्सिटी एंड विच कैन टेक अ सीरियस डिजीज लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, बहुत ज़्यादा एक्सेस फैटी फूड लेने से, है ना, बहुत ज़्यादा में फैट वाला फूड लेने से और फिर एक्सरसाइज ना करने से क्या हो सकती है? ऑब्सिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, जिसके कारण सीरियस डिजीज़ जैसे कि हार्ट की डिजीज़, है ना, और क्या हो सकती है? डायबिटीज़ हमें हो सकती है। ओके, सो चिल्ड्रन, डिफिशेंसी डिजीज़ क्या है? देखो, अब हम डिफिशेंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो डिजीज़ विच आर कॉज ड्यू टू आ पर्टिकुलर विच आर कॉज ड्यू टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड डिफिशेंसी डिजीज। ऐसी बीमारी जो किसी एक न्यूट्रिशन की कमी से, ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? डिफिशेंसी डिजीज। ओके, लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे विटामिन और मिनरल्स से भी क्या हो जाती है, अगर बॉडी में विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो उससे भी कई तरह की हमें डिजीज होती है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम डिजीज। ओके, कुछ डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन, नाइट ब्लाइंडनेस। चिल्ड्रन, नाइट ब्लाइंडनेस आर कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ये जो बीमारी है ये विटामिन ए की कमी से होती है। ओके, विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनोल। ओके, ओके, एंड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर द पर्सन आर अनेबल टू सी इन डिम लाइट। ठीक है, इस डिजीज के लक्षण क्या है? इसमें जो पर्सन है, जो भी व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है, वो व्यक्ति डिम लाइट में प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाता है। ओके, सो वी शुड ईट विटामिन ए रिच फूड लाइक कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मैंगो, कैरेट ऑलरेडी आई, राइट, मिल्क, एग योक एट्सेट्रा। ओके,
तो हमें ये सारी चीजें लेनी चाहिए क्या करने के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस से प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, सो विच डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, इस डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी फूड लेना चाहिए, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मैंगो, मिल्क है ना, मिल्क लेना चाहिए, एग, योग, ठीक है, एटसेट्रा. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड डिजीज विच इज कॉज्ड बाय विटामिन बी वन. ओके, दिस डिजीज इज वेरी बैड. Okay, so beriberi disease is caused due to the deficiency of vitamin B1. Vitamin B1, okay, B1 also known as thiamine. So हम thiamine भी कहते हैं vitamin B1 को. और ये B1 की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, beriberi. Okay, this disease affect our nervous system. हमारे nervous system को नर्वस सिस्टम, यू ऑलरेडी नो दैट नर्वस सिस्टम इज तंत्रिका तंत्र, ठीक है, विच कंटेन स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व्स. ओके, सो दिस डिजीज अफेक्ट अवर नर्वस सिस्टम विच कैन कॉज हार्ट डिजीज. ओके, हार्ट डिजीज ओके, लूज ऑफ वेट एंड एप्टीटाइट मीन्स भूख. ओके, तो इस डिजीज में हमारा नर्वस सिस्टम को ये डिजीज क्या करती है, प्रभावित करती है, जिससे हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक है, लूज ऑफ वेट, ठीक है, भार कम हो जाता है, वजन कम हो जाता है, एप्टीटाइट और भूख लगती है. सो टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड ईट विटामिन B1 रिच फूड, फॉर एग्जाम्पल अनपॉलिश्ड राइस. अनपॉलिश्ड राइस मीन्स जो राइस में पॉलिश ना हो, चावल में पॉलिश ना की हो, ठीक है, ऐसा फूड लेना चाहिए. देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड एग, मीट. विटामिन B1 है, तो B1 से बचने के लिए, ठीक है, मतलब बेरी बेरी से बचने के लिए हमें ये सारी चीजें लेनी चाहिए. ओके, अनपॉलिश राइस खानी चाहिए ना. थर्ड वन इज स्कर्वी, SCUR, स्कर्वी. ओके, दिस डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. डिजीज किससे होती है, विटामिन सी विच इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं. सो चिल्ड्रन, द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर, ओके, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स. ओके, सो स्कर्वी, स्कर्वी के सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे गम्स है, मीन्स जो हमारे टीथ है वो किससे अटैच है, गम से अटैच है ना, मतलब मसूड़ों से, गम मीन्स मसूड़. ओके, सो हमारे जो मसूड़े हैं उनसे क्या होने लगती है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मीन्स खून आने लगता है. ओके, और जो हमारे जॉइंट्स हैं, जो भी जोड़ हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है. ओके, स्वेलिंग मीन्स सूजन. तो ये किसके सिम्टम्स हैं, स्कर्वी के. ओके, so to prevent this disease we should take vitamin C rich food, for example citrus fruits,
ऑरेंज, लेमन, आंवला, ओके, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। ओके, तो ये सारे फ्रूट्स, ठीक है, सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन, आंवला, मिल्क, इन सब पे क्या है, विटामिन सी रिच अमाउंट पे, तो हमें, ठीक है, इनको स्कर्वी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये सारी चीजें लेनी चाहिए। ओके, तो स्कर्वी कौन से विटामिन से होती है? विटामिन सी से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिकेट्स, RICKETS, ओके, रिकेट्स। चिल्ड्रन, रिकेट्स आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। जो डिजीज है ये विटामिन डी, इसे हम इर्गो कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है, ये विटामिन डी की कमी से होती है। एंड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर बोन्स बिकम सॉफ्ट, ओके, एंड ब्रेक इट, ठीक है। इस डिजीज में क्या होती है, जो हमारी बोन्स है, मीन्स जो हमारी हड्डियां हैं, वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, और वो आसानी से क्या हो सकती है, टूट सकती है। ओके, किसमें? रिकेट्स में। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है, किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। सो चिल्ड्रन, टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि रिकेट्स में क्या होती है, बोन्स हमारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, है ना, बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और एकदम टूटने लगते हैं, तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए ज्यादा मात्रा में? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ओके, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है, मिल्क, दूध और मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि चीज, बटर, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो टेक सनलाइट, बिकॉज सनलाइट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, हमें सनलाइट भी इसके साथ लेना है, क्योंकि सनलाइट क्या करती है, विटामिन डी को हमारे शरीर में बनाती है, ओके, बट हमें दिन वाली जो सनलाइट है वो नहीं लेनी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है, हमें मॉर्निंग वाली जो सनलाइट है वो लेनी है, ओके, तो इस तरह से हम विटामिन डी मतलब रिकेट से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये सारी डिजीज किसके कारण होती है? विटामिन के कारण, ओके। Now next we will discuss about goiter. Okay? Goiter को हम हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं, okay? So these diseases are caused due to the deficiency of iodine. ये जो disease है ये iodine की कमी से होती है, okay? Iodine क्या है? Iodine is a mineral. Okay? इससे पहले हमने vitamins से जो डिफिशियंसी होती है उसके बारे में पढ़ा था, अभी हम मिनरल से जो डिजीज हो रही है, ठीक है, तो आयोडीन से हमें कौन सी कमी, आयोडीन से हमें कौन सी डिजीज होती है? गोइटर, ओके, और इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इन, तो हमारी जो नेक है, नेक मीन्स गर्दन में जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण, और उससे कौन सी डिजीज होती है? गोइटर, ओके। सो चिल्ड्रन, जो ग्लैंड है, यहाँ पर ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ग्लैंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ग्लैंड भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है विच कैन प्रोड्यूस केमिकल विच आवर बॉडी यूज नीड टू यूज, ठीक है, मतलब ग्लैंड भी एक तरह का क्या है, बॉडी पार्ट्स है जो क्या निकालता है, केमिकल्स को निकालता है और जिसे हमारी बॉडी
क्या करती है, इस्तेमाल में ले लेती है, ठीक है, किसी ना किसी एक्टिविटी के इस्तेमाल में ले लेती है। तो हमारी जो नेक है वहाँ पर कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और इस थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाती है, आयोडीन की कमी से स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग में सूजन आ जाती है, ठीक है, एकदम गला बड़ा सा हो जाता है, मोटा सा, ठीक है। सो टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड टेक आयोडाइज्ड एंड सॉल्ट इन द फूड, ठीक है। फूड में हमें कैसा सॉल्ट लेना है, आयोडाइज मतलब जिसमें आयोडीन प्रॉपर अमाउंट है, ठीक है, आयोडीन हो जिसमें, ठीक है। वी शुड ऑल्सो टेक सी फूड आइटम्स, हम सी फूड आइटम्स भी ले सकते हैं क्योंकि उनमें भी क्या है, रिच अमाउंट में क्या है, आयोडीन है, ओके। आपको पता है सॉल्ट भी हमें कहाँ से मिलता है, सी से, है ना, तो जो सी फूड आइटम्स है उन्हें भी हम ले सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट डिजीज एनीमिया, ओके। चिल्ड्रन एनीमिया आर कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ आयरन, ठीक है। ये जो बीमारी है ये किसकी कमी से होती है, आयरन की कमी से। आयरन मीन्स मिनरल, ओके, आयरन क्या है, मिनरल। मिनरल की हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जरूरत होती है, ओके, बट अगर ये स्मॉल अमाउंट पे हमारी बॉडी को ना मिले तो हमें क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है, ओके। सो एनीमिया किसकी कमी से होती है, आयरन की, ओके। नाउ सिम्टम्स क्या है इसके, द पर्सन लुक्स पेल एंड टायर्ड, ठीक है, पेल एंड टायर्ड। जिस भी व्यक्ति को एनीमिया है उसका जो फेस है एकदम थका हुआ और एकदम पेल सुस्त सा लगेगा, ओके। कलरलेस लिप्स, उसके जो लिप्स हैं वो भी कलरलेस लगेंगे उसमें, कोई एकदम फीके से, ओके। और उसके जो नेल्स हैं वो भी कैसे होंगे, एकदम पेल होंगे, ठीक है, प्लेन फ्लैट, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं किसके, एनीमिया के। तो एनीमिया में होता क्या है, इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड डिक्रीज, ठीक है। जो एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ओके। अब हीमोग्लोबिन क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, द रेड कलर ऑफ द ब्लड, है ना, हमारी ब्लड का जो कलर है वो कैसा है, रेड कलर का है, विच कंटेन्स आयरन पिगमेंट, जिसमें आयरन पिगमेंट्स पाए जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, ओके। तो एनीमिया की कमी से क्या होती है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, सो ऑक्सीजन सप्लाई इन द ब्लड ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है ब्लड में भी क्या है, हमारे ऑक्सीजन है वो भी क्या हो जाता है, एकदम रिड्यूस कम हो जाता है, ओके। सो टू प्रिवेंट दिस डिजीज वी शुड टेक, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, आयरन रिच फूड, ओके। फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, ओके, पालक, पालक में सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन, ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हमें ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सब में क्या है, रिच अमाउंट में क्या है, आयरन, ओके। तो हमें ये प्रॉपर अमाउंट में खाना चाहिए, ओके। सो आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड सम डिजीज, दिस डिजीज। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अगेन वी रिपीट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ऐसी डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती है, ठीक है। ये डिजीज बर्थ से भी हो सकती है और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से और किसी न्यूट्रिशन की कमी से हो सकती है, ओके। सो आज हमने बहुत ढेर सारे इसकी डिजीज के नेम भी पढ़े थे, उनके बारे में पढ़ा था कि कैसे वे हो सकती हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस किसकी, विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस किससे हो रही थी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए,
बेरी बेरी, विटामिन बी वन, ओके, स्कर्वी, विटामिन सी, ओके, रिकेट्स, विटामिन डी, ओके, एंड गॉइटर, आयोडीन video we will discuss about communicable disease. Okay, so children, I hope today you will enjoying this video. If you like it, you have to subscribe. Okay, so you have to watch next videos. Okay, so thank you children.